राम राम सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह के 10:30 बजे से। आप सोचोगे सुबह सुबह नहा धो गई आज? हाँ, मैं सुबह सुबह नहाना धोना हो गया। एक्चुअली हमें जाना है बाजार, पहले बैंक जाना है, बैंक में थोड़ा सा काम है, उसके बाद हम जाएंगे बाजार। और बस इसीलिए हम सुबह सुबह तैयार हो गए क्योंकि शाम को जाएंगे घास काटने, तो इसीलिए हमने सोचा सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ये वाला काम कंप्लीट करते हैं। और सबसे पहले हम अपने पौधों को पानी दे रहे हैं। पहले हम अपने धनों को मोड़ेंगे क्योंकि पापा आ जाएंगे उतने को, तो इसे मोड़ मोड़ लेते हैं। पहले काशू मोड़ेगी, इसे पहले इसका सर इस तरफ को करेंगे, हमने इस तरफ को जाना है। बहुत गंदी हो गई तो काशू थोड़ा साफ कर दिए इसे। काफी ज्यादा टाइम हो जाता है गाड़ी चलाए हुए, तो थोड़ी सी डर तो लगती है। दूर दूर तक नहीं ले जाते हम, पहले हम भाग जाते थे जब हम पहले सीख रहे थे ना, जब काफी टाइम हो गया था कंटिन्यू, हमें 2-3 महीने हो गए थे चलाते चलाते, तो फिर हम गाड़ी लेके भाग जाते थे कहीं भी। अरे तो नहीं भागते हम क्योंकि हमें लगती है डर, क्योंकि क्या पता भाई कहीं ठुक ठुक गए तो होता ही है। पहले मैंने सोचा मैं दूंगी पानी, पर नहीं, अब काशू देगी फिर से पानी। बहुत सुंदर सुंदर प्लांट है हमारे जो की मेरे को बहुत अच्छे लगते। सबसे प्यारा ये है, ये वाला सबसे प्यारा है। और एक ही देखो कितना, एक ही हुआ है पर कितना सुंदर लग रहा है। इनकी ज्यादा ढंग से ना केयर नहीं हो पाती क्योंकि काम में बिजी रहते हैं, जब फ्री होते तो अच्छे से करते हैं, जब नहीं होते फ्री तो तब ऐसे सूख रहे होते हैं। तो ऐसे ही ये भी काफी सुंदर है, ये वाला प्लांट भी। एक फ्लावर बहुत अच्छा होता जो मेरी गाय खा गई है उस दिन, एक दिन इसका कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा है। और इस तरफ भी एक फ्लावर हुआ है, बहुत सुंदर हुए हैं दो, कितने क्यूट क्यूट से हैं, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है। और देखो ये कितना प्यारा है, ये बहुत ज्यादा प्यारा है। ये मेरे को नाम तो पता नहीं किसी भी फ्लावर के, बट हाँ बहुत सुंदर है सभी। यहाँ पर तो हमने दे दिया पानी, अब हम ऊपर देंगे क्योंकि पौधों को पानी दिए हुए भी काफी टाइम हो जाता है। मैंने बोला ना भाई ये देवदार के पेड़ इतने सही लगते हैं ना, जब बर्फ गिरती है ये पेड़ कितने सुंदर लगते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। सुंदर मेरा एलोवेरा का पौधा बहुत सुंदर है, ये मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया था जिसे मैंने बहुत संभाल के रखा है। ये भाई वो वाला फूल होता है ऊपर लंबी लंबी वाला, मत कर इसे, मत तोड़ रहे दे। पता है मेरे को भाई लंबी वाला होता है ये पूरे में फैल जाएगा ऐसे ऐसे करके। ये वाला वैसा ही है, इसमें कौन से पिंक लगेंगे या व्हाइट, दोनों में से कोई एक तो लगेंगे इसमें। और ये मेरा एलोवेरा का प्लांट जब मैं कॉलेज में थी तो उस टाइम मेरे पास था और अभी तक है ये। पहले तो मर गया था, मैंने सोचा मर जाएगा बट पर नहीं बच गया है, इन्होंने संभाल के रखा है वैसे। और मिट्टी भी वही की है जब मैंने डाली थी, वही मिट्टी है ये। देखो ये मिट्टी ब्लैक है, ये थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन है, और इस मिट्टी और इस मिट्टी में काफी फर्क है। यहाँ पर भी हमने दे दिया अपने प्लांट्स को पानी, अब हम जाएंगे ऊपर। यहाँ पर बस एक ही प्लांट है हमारा, मनी प्लांट बस। और यहाँ से व्यू भाई बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। अभी भी लोग घास काट रहे खेतों में, काफी लोगों का बच गया है, उधर भी काट रहे हैं इधर भी काट रहे हैं, हमारा तो हो गया इधर। मतलब इस बार मेले भी साथ में थे तो इसीलिए लोगों का घास बहुत ज्यादा रह गया है, तो 2-4 दिन तो ऐसे चलेंगे मेले में। एक दिन बारिश होगी तो फिर बारिश में घास नहीं काट सकते, कहाँ सुखाएंगे, तो ऐसा रहता है। पापा भी आ रहे उधर से, ये रहे पापा, तो चलते अब नीचे। हमने अपने सारे पौधों में पानी तो दे दिया, हमारा काम हो गया, तो चलो नीचे। अभी बस हम बैंक में पहुंच गए, ये रहा हमारा बैंक, बस यहाँ पर अपना काम कराएंगे।
बैंक में हो गया अभी काम ख़त्म, अभी जाएंगे हम उधर मार्केट वाली तरफ, बस चलते हैं, धूप भी बहुत अच्छी लगी है। यहाँ से लेंगे हम थोड़ा सा सामान जो भी नॉर्मल सा, हमने अपना सामान भी ले लिया और ज़्यादा बड़ी मार्केट है नहीं ब्रोड में, नॉर्मल सी आपको अपनी ज़रूरत का सामान नॉर्मल सा मिल जाएगा यहाँ पर। और पानी कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और ये पुल है बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। रोड वैली के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, हमारा वाला एरिया उस तरफ को वो वाला। पापा बैठे थे अपने फ्रेंड की शॉप में और बस पापा आ रहे हैं, अभी कॉल की हमने, बस अब बैठेंगे गाड़ी में सीधे चलेंगे घर क्योंकि काम बहुत है यार, थोड़ी देर खाना खाएंगे उसके बाद चले जाएंगे खेतों में घूमना, तो अगली बार होगा जब अगली बार आएंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे ब्रोड वैली, हमने खुद एक्सप्लोर नहीं किया बहुत अच्छे से, तो हम आपको भी दिखाएंगे और खुद भी एक्सप्लोर करेंगे। और बस ज़्यादा बड़ी मार्केट है नहीं यहाँ की, और इस मार्केट का नाम लक्कड़ बाज़ार है। एक्चुअली पहले यहाँ पर लकड़ी की ही दुकानें होती थी तो इसका नाम लक्कड़ बाज़ार था, अभी तो नहीं है, अभी तो टीन और शेड, ऐसे शेड बने हुए हैं टीन के, तो बस ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, आपको अपनी ज़रूरत का सामान यहाँ पर सारा ही मिल जाएगा। इधर अब हम सीधे जाएंगे घर, हमारा काम जल्दी ही खत्म हो गया, 12 बजे हैं बस, एक घंटे का मतलब एक घंटे के अंदर हमारा सारा काम हो गया, यहाँ पर आए नहाए धोए और हम गए, मतलब एक काशू इसको ले। हमारे गांव में सभी के घर लकड़ी के भी हैं, सीमेंट भी डाले लोगों ने अपने मकान पर, रहते लकड़ी के घरों में भी है क्योंकि गाँव में तो मैक्सिमम सबके घर लकड़ी के है ना काशू। हमने अपना ट्रेडिशन अभी भी फॉलो किया है, मतलब लोग अपने घरों को ख़राब नहीं कर रहे ऊपर वाले, और कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर रहे उधर ऐसे दूसरे घरों की, जैसे यहाँ पर अभी एक नया घर बना है हमारे पड़ोसियों का, और बस लोग बना रहे भी हैं, बट पर अपनी विरासत जो हमारे पुराने घर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है। मैं दिखा दूँ यहाँ पर काफ़ी हमारे सभी गाँव वालों के घर यहाँ पर बने हुए हैं, ये वाला भी नया बना है अभी, वो वाले भी नए बने, ये भी नया बना, अभी ये भी नया बना है, मतलब सबके यहाँ पर अपनी अपनी कंस्ट्रक्शन की हुई है, मतलब नई वाली, मतलब सभी की ये होम स्टे टाइप है, लोगों ने लीज पर दिए हुए हैं तो यहाँ पर फ़ायदा ले रहे हैं बस, खुद तो अपने बस अपने पुराने ट्रेडिशनल घर में रहते हैं क्योंकि हमारी ज़मीन बहुत दूर है, पर हमें गांव ही ठीक पड़ता है सबसे अच्छा मेन बीच में, और यहाँ से हम कहीं भी जा सकते, इस तरफ भी आ सकते खेतों में और उस तरफ भी जा सकते खेतों में। अभी पहुँच के घर, सबसे पहले करेंगे कपड़े चेंज, फिर आपको मिलते हैं यार, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, कपड़े भी कर लिए चेंज, अब करेंगे लंच, बस मतलब चावल डालेंगे पहले, दाल में बना के चले गए थे सुबह ही, मेरे को पता था यार दाल कौन बाद में बनाएगा, मम्मी थक के आएंगे तो मैंने दाल बना ली थी पहले मसूर की सुबह ही, तो बस अब चावल डालेंगे और खाना खाएंगे उसके बाद फिर जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे उसके बाद जाएंगे हम खेतों में। मैं चिंटू को दिखाती हूँ चिंटू कैसा लेटा है, और इधर राजमा ही राजमा किए, मैं बताती हूँ यार काले वाले राजमा बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और दूसरे लाल पीले वाले वो राजमा नहीं हो रहे हाँ यहाँ पर हमारे, वो ख़त्म हो गए दो पिछले 2-4 सालों से, बिल्कुल राजमा नहीं हो रहे वो वाले, मैं आपको ये वाले दिखाती हूँ, ये बहुत, ये यहाँ पर हमारे काले वाले राजमा अभी लाए हैं सुबह सुबह निकाल के खेतों से, और बस इन्हें अलग कर रहे हैं अभी इनके फलियों से, ये इनकी फलियाँ हैं और इसे अलग किया जाता है ऐसे, और इन फलियों को जो ये है इसे घास ही समझ लो एक प्रकार का, ये भी गाय के लिए ही है, तो गाय के लिए सर्दियों में बहुत अलग अलग घास होता है हमारे यहाँ, ये लाल वाले राजमा हैं और ये काले वाले हैं, काले मिक्स थोड़े से हल्के हल्के से अलग राजमा भी है, पर काले राजमा इस बार अच्छे हुए हैं, दूसरे राजमा नहीं हुए हमारे, इन्हें मस्त धूप में सुखाएंगे उसके बाद उठा देंगे, क्योंकि धूप में सुखाने के बाद ये और छोटे हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, फिर पानी डालेंगे तो फिर पकाएंगे तो फिर फूल जाते हैं ये, तो मस्त इन्हें सुखाएंगे और फिर खाएंगे इनकी, इनकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है काले राजमा की, हमें तो बहुत पसंद है, तो बस दाल भी खाते हैं। अभी टाइम हो गया है दोपहर के 2 और हम चले पड़े खेतों में, बस खाना खाया बर्तन धोए थोड़ी देर बैठे 5-10 मिनट और अब चल पड़े खेतों में, क्योंकि टाइम लग जाता है उधर पहुंचते पहुंचते, आधा घंटा तो लग जाता है, तो बस इसलिए हमने सोचा जल्दी चल जाएंगे, और रात भी हो जाती आते आते क्योंकि दूर है खेत, और मेरे को जुकाम हो गया है सच बताऊं तो, बस मेरे नाक से पानी बह ही जा रहा है, मेरे को ना यहाँ पर थोड़ा ना टेम्परेचर सूट नहीं होता यहाँ का, सच बात ये, और थोड़ी सी धूल और बस फिर बीमार, चलते हैं सीधे खेतों में।
वहां पर ऊपर एक भेड़ इतनी ऊपर चढ़ गई और घास खा रही है, और लोग यहाँ पर अपने गाय और भेड़ बकरियों को लेके आए हैं चराने के लिए, क्योंकि आजकल ज्यादा दूर तो नहीं ले जाते, जंगलों में आसपास ही लेते हैं क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर गाय भी है, दो दो गाय है, दो भेड़ बकरियां तो नहीं है, भेड़ और उसका बच्चा यहाँ पर है, ये फीमेल है, फीमेल भेड़ है, गाय घास खा रही है लोगों की। मम्मी और काशी तो भागे आगे आगे, मैं ही चलूँ पीछे पीछे, भाई मुझे पता लग जाए कहाँ जाना है, और तो सब ठीक है। हम पहुंच चुके हैं अब अपने खेत में, और यहाँ पर एक घास का खेत है, पहले उसे काटेंगे। वीर बहन काशू और ये रहा चिंटू, इन दोनों ने सोने का प्लान बना लिया, यहाँ पर सोएंगे। भाई ऐसे भी लोग होते, घास काटने आए थे और यहाँ पर सो गए। और ये चिंटू देखो भागने की फिर रात में, पूरा इसका पूरा मन है भागने का, पर नहीं, इसे भागने नहीं देंगे हम। दुपट्टा तो मैंने बांध लिया, धूल नहीं जाएगी, एक्चुअली धूल होती बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से भी मेरे को जुकाम हो जाता है बहुत जल्दी। और मम्मी उधर घास काट रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा आपको अभी, मैं भी घास काटती हूँ अभी। काशू तो सो रही है आराम से, ये सोएगी तो बस ग्लव्स पहनते और लग जाते अपने काम पे। ये वाला घास का खेत भी हमने कर लिया कम्प्लीट। ये खेतों के थोड़े बीच में लोग रास्ते में, मतलब लोग आते जाते रहते, तो हमने इसे पहले काट लिया क्योंकि लोगों को आने जाने के लिए अच्छा रहेगा और घास भी खराब नहीं होगा। कल उठाएंगे हम इसे, तो अब चलते हैं दूसरे खेत में, अब हम मक्की का घास काटेंगे। हमने दो खेत कर लिए, एक ऊपर वाला ये छोटा सा और ये एक ए। मम्मी और पापा बांध रहे हैं, हमें बांधने नहीं आता है ये, बस हमें काटना आता, तो हम काट रहे हैं, मम्मी पापा बांध रहे हैं दोनों। तो बस ये सबसे बड़ा खेत है हमारा यहाँ का, बस ये कट हो गया। यहाँ पर पता नहीं चिंटू को क्या हो गया था भाई, मेरे साथ ऐसे लड़े जा रहा था, ऐसे दुपट्टा खींचे जा रहे थे, मेरे को बहुत परेशान किया, कंपटीशन लगा था किसके पास ज़्यादा जोर है बाद में, तो ऐसे खींच रहा था ना, बहुत तंग किया इसने मेरे को। बस ऐसा थोड़ा बहुत लड़ने लड़ने से मज़ा आ जाता है चिंटू के साथ। अभी टाइम हो गया 6 और हमने सोचा एक खेत काट लेते हैं, वो थोड़ा छोटा सा खेत है, उसे काटेंगे और फिर चल पड़ेंगे घर, अंधेरा हो जाएगा, मैं आ जाइए पर शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है, बस छोटा सा खेत है, क्या पता जल्दी हो जाए। अब हम आधे में पहुंच गए, मतलब सड़क के नीचे वाली तरफ पहुंच गया, आधा कवर कर लिया, आधा बचा है हमें, 5-6 खेत बचे, कल दिन तक हो जाएंगे हमारे वो भी। बस अब चलते हैं वो काटते पहले इस खेत को, ये भी कर दिया हमने, अब चलेंगे घर और अंधेरा होने वाला है 10-20 मिनट में। यहाँ पर पानी आता ऊपर वाले झरने का, किंतु पानी पी रहा है, यहाँ पर प्यासा है अभी। हमें आधे रास्ते में ही अंधेरा हो गया था, अभी हम काफी दूर थे, 10-15 मिनट दूर थे हम अभी तक। तो बस घर पहुंचती सबसे पहले मैंने बनाई चाय, क्योंकि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब था। निकाल दी मैंने गिलास में और मैं साथ में खाऊंगी मठी मठड़ी, जो भी होते हैं मठड़ी मट्टी रीम जो भी है वो खाऊंगी। और शम्भी अब अभी गूंद रहे आटा यहाँ पर, शम्भी बहुत जल्दी आटा गूंद लेते, मतलब शम्भी बहुत ही खतरनाक इंसान है ना शम भाई, देखो कैसे गूंद रहे हैं। टाइम हो रहा है रात के 9 और हमारा खाना पानी सब कुछ हो गया। आधे सबसे पहले मैंने चाय पी अदरक वाली, उससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यार, मतलब रात तक होते होते काफी ज्यादा बंद हो गया मेरा नाक, सुबह दिन तक थोड़ा ठीक हो जाएगा मुझे पता है, मेरे से बोले भी नहीं जा रहा है ना, मेरे से सांस ली जा रही है मतलब। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।